तो दोस्तों, आज की वीडियो पे हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक जो होते हैं उसे कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज की वीडियो पे प्रश्न बैंक देखेंगे कि कैसे हम प्रश्न बैंक ढूंढ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रश्न बैंक कैसे हम पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र होगा या तो गूगल होगा, आप दोनों में से किसी भी टाइप कर सकते हो। मैं अपना क्रोम ओपन कर लेता हूँ पीसी पे। यहाँ पे मैं लिखूँगा MPBSE। ओके, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट है, इसे मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MPBSE.NIC.IN, उसे हम ओपन कर लेंगे। ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ से हम स्टूडेंट कॉर्नर पे जाएंगे। ठीक है, इस पे जाएंगे, ये दिख रहा है, क्लिक करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमें प्रश्न बैंक डाउनलोड करना है, इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे ई बुक वीडियो ऑडियो अध्ययन सामग्री। ओके, क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये चार ऑप्शन आते हैं, 9, 10, 11, 12। जैसा कि मैं 12th का निकालना चाहता हूँ तो 12th पे क्लिक करूँगा और हमारे सामने सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे 12th के। अब मैं फॉर एग्जांपल चेक करना चाहता हूँ केमिस्ट्री का प्रश्न बैंक। ओके, तो मैं यहाँ प्रश्न बैंक है, ये यूट्यूब से आप वीडियो लेसन ले सकते हो और यहाँ से पाठ्य पुस्तक अपनी डाउनलोड कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं प्रश्न बैंक की, तो प्रश्न बैंक ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप अपने सारे के सारे चैप्टर देखोगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हैं। तो जैसा कि मैं ठोस अवस्था का आपको दिखा देता हूँ एग्ज़ाम्पल कि प्रश्न बैंक कैसा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे सारे का सारा प्रश्न बैंक आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वस्तुनिष्ठ दिया हुआ है, ये सारे के सारे वस्तुनिष्ठ, इनमें से आने के हाई चांसेस हैं। और उसके बाद बताना चाहूँगा कि जो ज्ञान परक क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और ये देखिए आ गया, और यहाँ जो समझ परक क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे दिए रहेंगे। अगर आप इन प्रश्नों की तैयारी कर लेते हो तो आपके हाई चांसेस हैं कि आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक आध दो एग्जांपल और दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको। वैद्युत रसायन वाले चैप्टर्स दिखाता हूँ, इस पर भी आपको दिखाता हूँ। आप कोई भी मतलब चैप्टर खोल सकते हो अपने चैप्टर के हिसाब से और सारे के सारे प्रश्न चेक कर सकते हो, सारे के सारे आपको दिए रहेंगे। और प्रश्न बैंक में सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हो। और बात करें अदर सब्जेक्ट की, तो वो भी आप देख सकते हो अलग सब्जेक्ट की, दूसरे विषयों की। जैसे मैं अब मैथ की बात कर लेता हूँ, तो मैथमेटिक्स का यहाँ पे है प्रश्न बैंक चलेंगे। और यहाँ पे संबंध एवं फलन, जो चैप्टर्स का नहीं बना है वहाँ पे दिया ही नहीं है, और जिन चैप्टरों का प्रश्न बैंक तैयार हो चुका है उनका मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि एक चैप्टर का हो गया, इस पर बता रहा है क्वेश्चन आर नॉट प्रेजेंट अवेलेबल, अभी इस पर काम चल रहा होगा, बन रहा होगा। ठीक है, प्रश्ननिष्ठ प्रश्न अभी नहीं बन पाए हैं तो वो बन रहे हैं, और जो प्रश्न बन चुके हैं वो प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप खास तौर पर ध्यान दें, यहाँ से आपके हाई चांस रहते हैं आने के, तो आप इस पे ध्यान दें। ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर जो भी हैं, सब्जेक्ट हैं, उन सभी कैसे दिया हुआ है। सोशियोलॉजी इन फॉर प्रैक्टिस, पॉलिटिकल साइंस, अंग्रेजी, जैसे मैं अंग्रेजी का दिखा देता हूँ आपको। बोर्ड द्वारा जानकारी अपलोड नहीं की गई, सॉरी, इसमें बोर्ड द्वारा भी जानकारी अपलोड नहीं की गई। तो जैसे जैसे बोर्ड को आगे जानकारी प्राप्त होती रहेगी, उनका तैयारी होती रहेगी, वो प्रश्न बैंक तैयार कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अगर बाकी पिछले वर्ष के आपको प्रश्न बैंक चाहिए तो मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, हो सकेगा तो। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि आप यूट्यूब से लेसन ले सकते हो, मैं ट्राई करता हूँ हिंदी का। ये देखिए लेसन लेने के, जिनके लेसन उपलब्ध हैं उनमें ऐसा टिक रहेगा। ये हम एक गद्य का वापसी वाले का ले सकते हैं लेसन। ठीक है, अभी मेरा नेट स्लो है शायद, इसलिए लेट आ रहा है। चलिए आ गया,
अब ये सर आपको हिंदी का सिखाएंगे, कैसे सिखाते हैं वो देखिए। उनके साहित्य में स्थान, भारतीय परिवेश परंपरा और प्रतीत में भौतिक युग के व्यक्तिक और इस तरह से आप मतलब देख सकते हो, ठीक है। मगर आपको पढ़ना है, YouTube से समझना है, तो यहाँ पे YouTube के लिए लेसन भी उपलब्ध हैं, तो इस तरह से आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो बस हो गया, इतना ही था। आगे मैं आपको प्रश्न बैंक उपलब्ध करा दूँगा पिछले ईयर के। ओके, सो थैंक यू।